हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड के बाद में आप कैसे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने होंगे और उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो और किस किस स्टेट में आप लोग जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो हमारे प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है DSSSB, ठीक है। DSSSB जो है बोर्ड है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है टीचिंग और नॉन टीचिंग, ठीक है। दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी में जो टीचर्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट टीचर, वो सभी DSSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करके लगे हुए हैं। दिल्ली में जो है हमारे तीन तरह के प्राइमरी स्कूल्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा DOE जो सर्वोदय स्कूल्स होते हैं, उसके बाद में आता है हमारा NDMC, देन उसके बाद में आता है हमारा MCD। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है DSSB का एग्ज़ाम देने के लिए? आपकी जो है DLED कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपका CTET पेपर वन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आप जो है DSSSB का एग्ज़ाम दे सकते हो और उसको क्लियर करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। दिल्ली के बाद में बात कर लेते हैं KVS के स्कूल्स के बारे में। KVS के जो स्कूल्स होते हैं वो ऑल इंडिया में हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल की जॉब है आप लोगों की प्राइमरी टीचर TGT और PGT के लिए। तो PRT का जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? आपका DLED कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और आपका CTET पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप जो है KVS का एग्ज़ाम दे सकते हो। KVS के एग्ज़ाम में दो होते हैं लेवल, पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू और एग्ज़ाम की मेरिट बनाकर आप लोगों को जो है सिलेक्शन होता है। KVS के बाद में अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप लोगों को DLED आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और आप लोगों की जो है HTET पेपर वन पास होना चाहिए। वहाँ पे आपका CTET नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको HTET पास करना होगा, ठीक है। हरियाणा के बाद में अब बात कर लेते हैं UP के सुपर टेट के बारे में। UP में जो एग्ज़ाम होता है वो है सुपर टेट एग्ज़ाम है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी DLED कंप्लीट होनी चाहिए और आपका UP TET पेपर वन पास होना चाहिए। यह आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है UP के सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सुपर टेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आप UP में प्राइमरी टीचर बन जाओगे 1st to 5th क्लास के लिए। UP के बाद में अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में जो है रीट का एग्ज़ाम होता है। पहले ये एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद में जो है आपके जॉब मिल जाती थी गवर्नमेंट जॉब। अब जो है ये एग्ज़ाम दो शिफ्ट में बांट दिया गया है, यानी पहले आपको प्री देना होगा रीट का और फिर मेन्स देना होगा। राजस्थान के बाद में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी DLED जो है कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और आपका या तो CTET पेपर वन पास हो या आपका बिहार STAT पेपर वन पास हो, ठीक है। इन दोनों में से आपका कोई सा भी पेपर वन पास होगा और आपकी DLED कंप्लीट होगी तो आप लोग बिहार के BPSC के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ बिहार में आप टीचर बन सकते हो। इसके बाद आती हैं चंडीगढ़ की वैकेंसी। चंडीगढ़ में जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होता है वो JBT चंडीगढ़ JBT के नाम से जाना जाता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी DLED कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका CTET पेपर वन पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर आपके पास में है, CTET पेपर वन आपका पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपकी DLED कंप्लीट है, तो आप चंडीगढ़ JBT का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे KVS के स्कूल्स हैं, ऐसे दो और स्कूल्स की वैकेंसीज आती हैं PRT के लिए। एक है आप लोगों की AEES की वैकेंसीज, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ये इनके स्कूल्स होते हैं, इनकी वैकेंसीज आती हैं। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी DLED कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और आप लोगों का CTET पेपर वन पास होना चाहिए। इसके लिए आप फिर एलिजिबल हो जाते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। AEES की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक और स्कूल्स होते हैं, वो हैं आप लोगों के AWES, ठीक है। AWES जो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल्स होते हैं। इसमें भी जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DLED प्लस आपका CTET पेपर वन पास होना चाहिए। तो ये कुछ स्कूल्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो अपनी DLED कंप्लीट होने के बाद में, जब इनकी वैकेंसी आएंगी तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट्स बच गए हैं वो लोग जो है अदर स्टेट्स के लोगों को जॉब नहीं देते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं देते हैं अपने स्टेट में, जो उनके स्टेट के लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही वो लोग जॉब देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टीचिंग से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच।